राज्यपाल ने एचपीएससी सदस्यों को शपथ दिलाई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ज्योति बैंदा और राजेंद्र कुमार को शपथ दिलाई गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यता की शपथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई। शपथ समारोह में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम रहा और यहाँ पर एचपीएससी के सदस्य को शपथ दिलाई गई, जिसमें ज्योति बैंदा और राजेंद्र कुमार धीमान का नाम है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एचपीएससी में दो और नए मेंबर्स का नाम जुड़ गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इन दोनों को ही मेंबर की यानी कि सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हैं अधिक जानकारियों के साथ। रवि बताइए पूरी जानकारी। बिल्कुल केशव, देखिए महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के दो सदस्य को आज शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके साथ साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ये तमाम जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में जो है उन्होंने शिरकत की है। और ज्योति बैंदा और राजेंद्र कुमार ने एचपीएससी के नए मेंबर के तौर पर आज शपथ ली है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए रवि। तो एचपीएससी के मेंबर के तौर पर आज दोनों ही सदस्यों ने शपथ ली, जिसमें ज्योति बैंदा का नाम है और राजेंद्र कुमार धीमान का नाम है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यता की शपथ इन्हें दिलाई गई है। राजेंद्र कुमार धीमान का आज आरएसएस का बैकग्राउंड रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़े हुए रहे और अब उन्हें एचपीएससी मेंबर के रूप में शपथ दिलाई गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ये शपथ दिलाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे और बतौर सदस्य यानी कि मेंबर के तौर पर राजेंद्र कुमार धीमान को यह शपथ दिलाई गई। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं,